ज्यादा मोटा है नहीं। राम राम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। एंड अभी बज रहे शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, क्योंकि घर में एक इवेंट है, फंक्शन है, तो उसकी बहुत सारी तैयारियां बाकी है, पेंडिंग है। और अभी दिन सिर्फ बचे हैं 10 दिन, मतलब 10 दिन आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन काम को देखते हुए 10 दिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, और क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ से करेंगे, तो वो आप मैं ऑब्वियसली आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर ही दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं भगत की कोठी, वहाँ पर मुझे कुछ छोटा मोटा काम है। नवनीत क्लोथ स्टोर है, वहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर कपड़े पोशाक और लहंगा सूट वगैरह सारा कुछ अपना राजस्थानी मटेरियल मिलता है। तो अगर कोई भी भगत कोठी के आसपास वाले हैं, ये भगत कोठी में नवनीत वाला, एंड और क्या बता रही थी मैं, हाँ तो और उसके बाद मुझे जाना है बीचेस, उसके बाद सदापुरा काम है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, नहीं मटकी चौराहे, मटकी चौराहे वाली गली, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट मटकी चौराहे। तो आपको बीचेस में ये पावटा सी रोड है, पावटा सी रोड है मटकी चौराहे है, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे कुछ ड्रेसेस या कुछ कपड़े लेने वो लेंगे। और चलिए आपको वहाँ पहुँच के मैं बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कलेक्शन है वहाँ पे, तो वहीं जाके शेयर करूँगी मैं आपके साथ। आधा मीटर लगाना, आधा दो मीटर करा दो या एक मीटर ही करा दो, कहीं मगजी बनाने का ही करना नहीं, थोड़ा कुर्ता। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ भगत की कोठी नवनीत वाली शॉप पे, और यहाँ पे मुझे कुछ छोटे मोटे काम थे, लाइक एक मुझे अस्तर लेना था, एक मुझे मगजी तैयार करवानी थी, और दूसरा मुझे एक कपड़ा रंगवाना था, मतलब कलर करवाना था, डाई करवाना था 1 मीटर कपड़ा। और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी वेरायटी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी शॉप है, और जो भी लेटेस्ट कलेक्शन आता है कपड़ों का वो यहाँ पे मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आसपास रहते हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, सारी वैरायटी मिल जाती है, लाइक पोशाक में, प्योर में, कॉटन में, जोड़ में, या टोरा वोरा जो भी आजकल चलता है ना ट्रेंडिंग में, वो सब कुछ मिल जाता है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं बीचेस, बीचेस क्या है जो भी है, आप कर तो अच्छा लगे। कलर अच्छा, इतना अच्छा लग गया, अच्छा लग गया, इसमें कलर है क्या, इसमें कौन सा वाला था, बेस कौन सा कलर था, कलर डार्क चाहिए थोड़ा। सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा था बीजेस की तरफ, यहाँ पे हम लोग आ चुके एक साड़ियों की शॉप पे, जहाँ से हम एक साड़ी लेनी थी। तो थोड़े टाइम पहले हमने यहाँ पे विज़िट किया था बीजेस, तो हमने यहाँ पे एक साड़ी की शॉप एक्सप्लोर करी थी, और हमने यहाँ से 2 साड़ी खरीदी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और बहुत से लोगों को पसंद आई। तो हमने सोचा कि इस बार भी हम लोग यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उसका कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन इस टाइम हम लोग गए तो इस बार थोड़ा सा कम कलेक्शन था, आई थिंक सब कुछ निकल चुका था। जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, मल्टी कलर की जो शेडेड है मुकेश वाली साड़ी, ये मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन इसके साथ एक ही दिक्कत आ रही थी कि इसके साथ ब्लाउज़ नहीं था, एंड ब्लाउज़ डाई होगा, क्योंकि उसके साथ ब्लाउज़ नहीं आया था, 5.5 मीटर की थी साड़ी, एंड डाई करवाने जितना हमारे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी वो साड़ी। सो हमने उसको स्किप किया आप ही के लिए, नेक्स्ट मैं कभी भी वो साड़ी ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में अभी तक वो बैठ चुकी है, और मुझे वो ऐसी लाइट कलर्स एंड लाइट वर्क वाली साड़ियाँ जो होती हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हैवी बॉर्डर्स या मोटे मोटे पट्टे वाली साड़ियाँ जो होती हैं वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं कुछ इसी टाइप की प्योर एंड शिफॉन में जो साड़ीज़ होती है वही देख रही थी, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे सा वर्क हो, लाइट वर्क हो, एंड इस टाइप का जो काम है जो आपको दिख रहा है इसमें वीडियो में, तो लगभग हम लोग इसी टाइप की सारी साड़ियाँ देख रहे थे एंड चेकआउट कर रहे थे, और सारे लाइक अच्छे अच्छे कलर्स से जो हमारे देसी कलर्स होते हैं वो भी देख रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक जो नेवी ब्लू कलर की जो देख रहे हो साड़ी आप, डार्क जो नेवी ब्लू कलर की साड़ी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। बट जो इवेंट था या जो भी फंक्शन उस हिसाब से मैंने फ़िलहाल ये कलर लेना अवॉइड किया, मैंने सोचा कि कोई टोक देगा तो यार कि ऐसा क्या कलर है ये वो, इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, मैं फिर कभी मतलब अपनी वो बकेट लिस्ट में डाल देती हूँ ये कलर और ये साड़ी को, कि मुझे फिर कभी लेनी होगी तो मैं इसको उठा लूँगी, लेकिन अभी के लिए इसको साइड रख लेती हूँ। अदरवाइज़ ये साड़ी सबसे साड़ियों से ना ये बिल्कुल अलग लग रही थी, और ये दूसरी वाली जो शेडेड है वो
मेरी सिस्टर वो हाथ में पकड़ के बैठी थी कि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। एंड आप अपने यहाँ देख सकते हैं सारी साड़ियों में, मतलब सारी रेंज है, सारा वर्क है, कटदाना वर्क है, गोटा पत्ती है, एंड ये आप जो लेस वाला जो काम देख रहे हैं वो भी है। तो बस यहाँ से हमें एक साड़ी पसंद करनी थी और वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कि हमें एक चूज़ करनी है। एंड कलर भी हमें ऐसा लेना था कि जो सबको अच्छा लगे, जो भी देखे उसको पसंद आ जाए, वैसा कलर भी हमें चूज़ करना था। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के हमें चूज़ करना था। एंड दूसरा हमने यहाँ से ले ली थी, चूज़ कर ली थी, एंड फिर यहीं पे फॉल पिको एंड रोल प्रेस वगैरह जो वो चरक वरक जिसको बोलते हैं वो सब हमने इसी शॉप पे दे दिया था करने के लिए, ये लोग खुद ही करके दे देते हैं। एंड जो हमने साड़ी ली है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी जब भी उसको पहनूंगी। अभी आप देख लीजिए आपको कौन सी अच्छी लगी इनमें से, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर ज़रूर कि मुझे ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इसमें से हमने तो भाई एक चूज़ कर ली है, एंड आप गैस भी कर सकते हैं कि मैंने कौन सी ली होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा ना कि मतलब कैसा टेस्ट है एंड कैसी चॉइस है उस हिसाब से। तो चलिए आप थोड़ा सा इन्जॉय करिए। एंड दूसरा, अगर आपको इन साड़ियों से रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, इनकी प्राइस के रिलेटेड, या फिर तो शॉप के बारे में जो भी एड्रेस वेड्रेस जो भी आपको जानना है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करना, और जो भी पूछना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मत पूछना, क्योंकि अगर आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना है तो मुझे भी अपना फ़ायदा लेना है, तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो ही मैं रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। क्योंकि यार सब लोग ना, तुम लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेते हो सारा कुछ, तो यहाँ पे कमेंट क्यों नहीं करते? यहाँ पे कमेंट करोगे थोड़ा बहुत मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा ना, तो बस यही करोगे तो ही मैं बताने वाली हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। फिर देख लो यार, जो भी करना है देख लो। तो गाइस हम लोग फ्री हो चुके हैं साड़ियों की शॉप से, और अभी हम लोग आए हैं बैंगल्स की दुकान पे। तो कुछ बैंगल्स देखते हैं, देखते हैं पसंद आती है नहीं आती है, फिर वरना फिर कहीं और आगे जाना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं सरदारपुरा बी रोड पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ बैंगल्स लेनी थी वो नहीं मिले थे, तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी थी क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे इस दिन था चेटीचंड, जो सिंधी समाज है उनका बहुत बड़ा पर्व था, त्यौहार था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रश थी और हम लोग गाड़ी वाड़ी अंदर नहीं लेके जा पा रहे थे क्योंकि कहीं पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। तो हमने अच्छे से प्रॉपर जगह देखी, एंड हम लोग फिर वॉक करके सारा कुछ जो भी हर दुकान में जाना था वहाँ जा रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नायका पे पहुँच गए थे, ये जस्ट रिसेंटली ओपन हुआ है नायका, और हम लोग गए नहीं थे, ये हमारा फर्स्ट विजिट था। तो हमने कुछ एक दो लिपस्टिक के शेड्स चेक किए एंड वो हमने लिए, और हम लोग फिर आगे बढ़ गए थे। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, काफ़ी सारे ब्रांड्स थे इसके अंदर, तो आपको भी लेना हो तो आप ले सकते हैं सारे, आप देख ही रहे हैं मैक वैक जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं सब में अवेलेबल है। एंड ऑफ अभी इतना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ओपन हुआ है। तो आगे बढ़ रहे हैं और आज है झूले, आज की है झूले चेटी चंड, यस आज चेटी चंड है। जा रहे हैं सभ्या सूट वाली दुकान है जो कि मैंने पहले भी शेयर की है। Thank you.
अब अगला हम लोग पहुंच चुके हैं, ये शॉप है सरस्वती श्रृंगार करके, दुकान का नाम है और ये भी सरदारपुरा बी रोड पर ही है। थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे निकल के लेफ्ट हैंड साइड गली के अंदर है थोड़ा सा, मतलब सामने से दिख जाती है, मतलब मेन रोड से दिख जाती है। एंड यहाँ पे मतलब हेड टू टो श्रृंगार का सारा सामान मिलता है, ए टू जेड सारा सामान मिलता है। एंड बाकी एक्सेसरीज भी मिलती है, हैंड बैग्स हो गया, जो भी डेकोरेशन की टोकरी वोकरी ये होती है, या फिर ओढ़नी ओढ़नी, या जो भी हम लोग ड्रेसेस बनाते हैं उनकी लेसेस, टेसल्स एंड बच्चों का जो आइटम्स होता है वो सारा कुछ, एंड अंडरगारमेंट्स सारा सारा, मतलब अब मैं क्या बताऊँ एक एक चीज़ का नाम, बट ए टू जेड सब कुछ मिलता है। एंड बैंगल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। एंड ये जो भैया यहाँ पे है वो बहुत ही अच्छा, लाइक आप जैसी भी ड्रेस लाते हैं, ये पोशाक लाते हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा मैचिंग सा सेट भी बना के दे देते हैं चूड़ियों का। तो ये काफ़ी मेहनत लगा लेते हैं, अपना दिमाग विमाग जितना भी लगाना होता है ये खुद लगा के हमें अच्छा सा सेट बना के दे देते हैं। और यहाँ पे बैंगल्स की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप लोगों को कभी जाना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। जो भी मार्केट में आपको रेट मिलेगी वहाँ से 5-10 रुपये यहाँ पे सस्ता ही मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली चूड़ियों का तो कोई मतलब मैच ही नहीं है। हम लोग इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक दो शॉप पे और गए थे, बट वहाँ पे हमें मतलब ऐसा सेट बना के कोई नहीं दे रहा था, बॉक्सेस सारे ओपन कर देते तो फिर इतना माइंड नहीं चलता ना कि क्या ले क्या ना ले। अब थारे हाथ में तो ठीक लग यार थोड़ी, पर मम्मी क्या हाँ तो बिल्कुल गुंजे तो आपने क्यों छुपा के रखी थी? अब सही है अभी मेरा देखा है, आपका एक और मेरा आने वाला है। ठीक है तो लग रही है, सुबह भी आकर अपने को ही करना है, अभी भी अपने को ही करना है। एक ही कर दो तो और नहीं है, दब जाएगी चूड़ी, कोई मतलब नहीं है। क्या डालू के अंदर थोड़ी उठी हुई चूड़ी होगी तो गेटअप आएगा, ये चूड़ी उठी हुई है। ऑब्वियसली मैं कह रही हूं कि देर वाइज तो चीज कह रही है, पर मैंने वाइन कलर दिया है, इतना परफेक्ट वाइन कलर है दीदी, ये कलर क्या अब इसके साथ नहीं मैच करेगा, फिर मैं क्या कहूंगा बताओ। मेरे वो तो और ज्यादा बड़ो है, प्योर मैं तो मेरा कलर तो और ही ज्यादा लाइट है। ये यूं ही ले लो, इसका कोई वो थोड़ी ना है, इसको एक काम कर, रुको फिर आपके मन में कोई आ जाए तो ये भी सेट कर दो। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। हो गया आ गई। ये टूट गया फोन का मेरा, यार पता नहीं यार टूट गया यार। तो मम्मा को याद तो नहीं किया, कला था क्यों मेरे को फोन कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था। अरे तो मैं आ रहा था ना, मैंने बोला था ना यार। कितनी सारी शॉपिंग की हमने।